अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग सीरीज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वोकैबुलरी वर्ड शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग के लिए या फिर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन आपने करनी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको वर्ड्स के मीनिंग आते होंगे, तो आप अच्छे तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, अच्छी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल अभी स्टार्ट से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी वोकैबुलरी पे फोकस करना चाहिए। छोटे छोटे वर्ड्स के मीनिंग आपको आने चाहिए ताकि आप सेंटेंस अच्छे तरीके से बना सकें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वोकैबुलरी वर्ड शेयर करने जा रही हूँ और ये फर्स्ट क्लास है हमारी। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगी। इससे पहले भी मैं ऑलरेडी वोकैबुलरी पे वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि ये फर्स्ट क्लास है, क्योंकि मैं वर्ड्स मीनिंग जो आपको बताऊंगी या वोकैबुलरी वर्ड्स जो भी होंगे, उन तमाम वर्ड्स को मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाऊंगी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा वर्ड किस तरीके से हम सेंटेंस के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए या फिर उर्दू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक छोटा सा मैसेज देना है कि अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम आईटी या फिर बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। पहला जो वोकैबुलरी वर्ड है वो है क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या फिर पैदा करना। अब इस वर्ड को आप सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं? द प्रोग्रामर विल क्रिएट एडवांस सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है प्रोग्रामर जदीद सॉफ्टवेयर बनाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बा। बिलाल डिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन अ रैबिट, यानी बिलाल ने ये तजर्बा एक खरगोश पर किया। नेक्स्ट वर्ड देखें लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना, और आप इसको इस तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी इज लर्निंग मैथ, यानी कि वो मैथ सीख रही है। नेक्स्ट वर्ड है लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में या फिर कभी, और सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं सी यू लेटर, यानी कि हम फिर मिलेंगे या हम बाद में मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है ठंडा करना, और सेंटेंस में आप इस तरह यूज कर सकते हैं यू कैन फ्रीज द सूप, यानी आप सूप ठंडा कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेसिकली। बेसिकली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर। बेसिकली के अलावा मेनली भी बेसिकली की जगह इस्तेमाल हो सकता है, उसका मतलब ही बुनियादी तौर पर ही होता है। अब इसको जुमले में आप कैसे यूज कर सकते हैं? बेसिकली आई लिव इन द सिटी, बुनियादी तौर पर मैं इस शहर में रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखें टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना। सेंटेंस में आप इस तरह से इस वर्ड को यूज कर सकते हैं आई टेस्टिफाई दैट आई नो नथिंग अबाउट हिम, यानी कि मैं गवाही देती हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। नेक्स्ट वर्ड है येट। येट का मतलब होता है अभी तक। सेंटेंस में आप इस तरह यूज कर सकते हैं I have not finished my walk yet, यानी कि मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड देखें weep। weep का मतलब होता है रोना। He wept bitterly, वो फूट फूट कर रोया, यानी बहुत ज्यादा रोया। नेक्स्ट वर्ड है obsession। obsession का मतलब होता है जनून। सेंटेंस मेकिंग के लिए इस वर्ड को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं She has an obsession cleanliness, यानी उसे सफाई का जनून है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं She has an obsession for money, उसे पैसों का जनून है। Next word देखें spontaneous। spontaneous का मतलब होता है अचानक या फिर फौरन। It was my spontaneous reaction, इसका मतलब है ये मेरा अचानक रद्द अमल था। Next word है defend। डिफेंड का मतलब होता है बचाना या फिर हिफाजत करना। Why are you defending him? इसका मतलब है कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है weird। weird का मतलब होता है
अजीब या फिर अनोखी। सेंटेंस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, देयर इज अ वियर्ड साउंड कमिंग फ्रॉम द इंजन। इसका मतलब है इंजन से एक अजीब सी आवाज आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराना। द बॉय बिकम नर्वस इन द क्लास। इसका मतलब है लड़का क्लास में घबरा गया। नेक्स्ट वर्ड है रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है सलाह देना किसी को या फिर सिफारिश करना। ये दोनों मीनिंग अलग अलग सिचुएशन के लिए हैं, लेकिन सेम वर्ड इसमें यूज होता है। आई कैन थॉरली रिकमेंड इट, यानी कि मैं अच्छी तरह से इसकी सिफारिश कर सकता हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं वॉट डू यू रिकमेंड, यानी कि आप क्या सलाह देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना। नो वन कैन ऑल्टर द फैक्ट। इसका मतलब है इस हकीकत को या इस सच को कोई बदल नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है गौर से देखना या फिर जांच पड़ताल करना। आई विल एग्जामिन ऑल द ऑप्शंस, यानी मैं तमाम अख्तियारात की जांच पड़ताल करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना या फिर ठीक करना। प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन योर होमवर्क, यानी प्लीज अपने होमवर्क की गलतियों को दुरुस्त करें। नेक्स्ट वर्ड है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर। डू नॉट मेक अ नॉइस, यानी कि शोर ना मचाओ। नेक्स्ट वर्ड है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब होता है राज। प्लीज कीप इट सीक्रेट, ये राज ही रखना। नेक्स्ट वर्ड है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है खौफनाक। इट वॉज अ टेरिबल सीन, ये एक खौफनाक मंजर था। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो, इसका मतलब होता है कि दिखावा मत करो कि तुम्हें नहीं पता। नेक्स्ट वर्ड है इनसेन। इनसेन का मतलब होता है पागल। जिसका दिमाग ठीक ना हो उसको कहते हैं इनसेन। इसके अलावा उसको अनसाउंड पर्सन भी कहा जाता है। अनसाउंड, ही इज इनसेन, इसका मतलब है वो पागल है। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, यानी कि ये जो हादसा हुआ है वो एक लापरवाही की वजह से हुआ। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा या फिर शिद्दत। कॉम्पिटिशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस, इसका मतलब है नौकरी के लिए जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वर्ड है वर्स। वर्स का मतलब होता है खराब या फिर बदतर। माई बिजनेस वॉज वर्स दिस मंथ, यानी कि इस महीने मेरा कारोबार खराब था। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, बताना। प्लीज डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, यानी प्लीज बयान करें कि आगे क्या हुआ। नेक्स्ट वर्ड है सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। शी सडनली बिगेन टू क्राई, वो अचानक रोने लगी। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब। दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये मुनासिब नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है तरजीह देना, यानी किसी को अहमियत देना, सबसे पहले किसी को फोकियत देना। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड, इसका मतलब है हमारी पहली तरजीह मेयार को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट वर्ड है बिहेव। बिहेव का मतलब होता है बर्ताव करना। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, वो एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है। नेक्स्ट वर्ड है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तंबाकू नोशी एक बुरी आदत है। नेक्स्ट वर्ड है इशू। इशू का मतलब होता है मसला। इट इज नॉट अ बिग इशू, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है सब्र करना। बी पेशेंट एंड वेट, सब्र करो और इंतजार करो।
नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना। इट्स अ नाइस मॉर्निंग फॉर अ स्ट्रॉल। इसका मतलब है टहलने के लिए ये एक अच्छी सुबह है। नेक्स्ट वर्ड है चॉइस। चॉइस का मतलब होता है इंतखाब। वी ऑल हैव टू मेक अ चॉइस, यानी हम सबको एक इंतखाब करना है। नेक्स्ट वर्ड है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है इनफरादी या फिर फर्द। ही इज अ वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल, वो एक बहुत बासलाहियत फर्द है। नेक्स्ट वर्ड है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है आरजू या फिर ख्वाहिश होना या किसी चीज के लिए तरसना। तो इसको आप सेंटेंस में इस तरह यूज कर सकते हैं, आई एम लॉन्गिंग टू मीट हर, मैं इससे मिलने को तरस रहा हूँ या मेरी इसको मिलने की ख्वाहिश है। नेक्स्ट वर्ड है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है नाराज होना। आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नाराज हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुँचना। द बस अराइव्ड ऑन टाइम, बस वक्त पर पहुँच गई। नेक्स्ट एंड लास्ट वोकैबुलरी वर्ड है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। फाइनली आई पास द एग्जाम्स, आखिरकार मैंने इम्तहान पास कर लिया। व्यूअर्स, ये फर्स्ट क्लास थी हमारी वोकैबुलरी वर्ड्स की। इन तमाम वर्ड्स को आपने प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के लिए आप इन वर्ड्स की नोटबुक क्रिएट करें और उस नोटबुक में आप तमाम वर्ड्स को मीनिंग के साथ लिखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। और जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।